अमेरिकन भौगोलिक विचारधारा पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे क्या सोवियत भौगोलिक विचारधारा, सोवियत यानी कि CIS की हम बात करते हैं, जिसको पहले पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो उसमें प्रमुख जो विद्वान हैं हम लोग उन्हीं को देखेंगे। बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है जो कंफ्यूज करने वाली हो, क्लियर है। एक बात यह है कि जो सोवियत विद्वान थे, जो भी रूसी विद्वान थे, उन लोगों ने जो सोवियत विद्वान थे जो रूसी विद्वान थे उन लोगों ने वातावरणीय निश्चयवाद की चरम सीमा को नकार दिया था, इतना है, ठीक है। मतलब निश्चयवाद का समर्थन करते थे, वातावरणीय निश्चयवाद का समर्थन करते थे, लेकिन उसकी चरम सीमा यानी कि बहुत उसका इतना मतलब उसी का सिर्फ प्रभाव है ये नहीं मानते थे, क्लियर है। इसमें सबसे पहले लोमोनोसोव आते हैं। देखिए इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक होता है साम्यवादी क्रांति के पूर्व का भूगोल, और दूसरा आता है साम्यवादी क्रांति के बाद का भूगोल, ठीक ना। तो साम्यवादी क्रांति के पूर्व में और उसके बाद में कुछ विद्वानों ने अपने योगदान दिए हैं, जिसमें से सबसे पहले आते हैं साम्यवादी क्रांति के पूर्व के जो विद्वान हैं लोमोनोसोव। इनका जो जीवन काल था 1711 से 1765 तक था। ध्यान दीजिए, लोमोनोसोव को रूसी भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। लोमोनोसोव को रूसी भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है, ये रूसी भूगोल के जन्मदाता रहे हैं, क्लियर। इसके अलावा पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, संसार में भूआकृति विज्ञान के अध्ययन के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं, है ना। भूआकृति विज्ञान के अध्ययन के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि स्थल रूप में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रमों के द्वारा होते हैं। मतलब स्थल रूप में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रम होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, ठीक ना, आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लोमोनोसोव ने ही किया था। आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग लोमोनोसोव ने किया था। ध्यान दीजिएगा, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर्थिक भूगोल है उसकी शुरुआत गोत्ज ने की थी, है ना, लेकिन आर्थिक भूगोल शब्द यूज़ किया था किसने, लोमोनोसोव ने। इसके अलावा जितने भी आइसबर्ग होते हैं ना, आइसबर्ग जानते हो क्या होता है, आइसबर्ग का मतलब बर्फ़ के बड़े बड़े स्थल खंड होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, है ना, उनको आइसबर्ग बोला जाता है, जो पानी में तैरते रहते हैं, समुद्र में तैरते रहते हैं, ठीक। तो लोग पहले ऐसा समझते थे कि जो आइसबर्ग होता है वो पानी में ही उसकी उत्पत्ति हो जाती है, जल में उसकी उत्पत्ति हो जाती है, लेकिन लोमोनोसोव पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया कि आइसबर्ग की उत्पत्ति स्थल पर होती है। कहाँ होती है, स्थल पर, ऐसे पहले विद्वान थे लोमोनोसोव, क्लियर। उसके बाद आते हैं डोकुचायेव, उसके बाद जो अगले विद्वान हैं वो हैं डोकुचायेव, ठीक है, साम्यवादी क्रांति से पूर्व के विद्वान हैं, क्लियर। 1846 के आसपास इनका जन्म हुआ था और 1930 के आसपास इनकी डेथ हो गई थी, ठीक ना। ध्यान दीजिए, डोकुचायेव ने सम्मिश्र समाकल प्रदेश
सम्मिश्र समाकल प्रदेश यानी कि इंटीग्रेटेड टाइम जोन के बारे में डोकुचायेव ने बताया था कि इसके अलावा इंटीग्रेटेड नेचुरल रीजन इंटीग्रेटेड नेचुरल रीजन को बताया है और एक और चीज़ जान लीजिए जोन्स इन स्पेस एंड टाइम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये इम्पोर्टेंट है। जोन्स इन स्पेस एंड टाइम, जोन्स इन स्पेस एंड टाइम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इन्होंने, क्लियर है। इसके अलावा समाजवादी क्रांति से पूर्व के यही प्रमुख भूलवेत्ता रहे हैं। इसके बाद आते हैं समाजवादी क्रांति के बाद का भूगोल आता है, ठीक। जब इसके बाद का भूगोल आता है तो इसमें बहुत से लोग आते हैं, जैसे गैरासिमोव, नोट कर लीजिएगा, गैरासिमोव, आक्सविले, नाम जानते रहिए, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके इन लोगों के पहले मार्क्स है ना, लेनिन, ऐसे विद्वान आते हैं, ये लोग आते हैं। विद्वान क्या है, काफ़ी इम्पैक्ट था इन लोगों का रशियन सोसाइटी पे। ये लोग यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि आर्थिक निश्चयवाद यानी इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की शुरुआत यानी कि आर्थिक निश्चयवाद का सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित हुआ था। ये माना जाता था उस समय, इनका कहना था कि जो भी संसाधन है वो संसाधन मानव के लिए है और सबके लिए बराबर रूप से, न कि किसी एक व्यक्ति के लिए या न कि किसी एक संगठन के लिए, क्लियर है। तो बहुत ज़्यादा कुछ रसोवियत भौगोलिक विचारधारा में नहीं है। लोमोनोसोव को जानिए, ठीक। भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके बारे में बताया, क्या बताया, असल रूप अंतर्जात और बहिजात प्रक्रमों के कारण ही परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया, आइसबर्ग की उत्पत्ति जल में न मान करके पहले विद्वान थे जिन्होंने माना कि नहीं ये स्थल से आते हैं, है ना। देखिए आइसबर्ग स्थल से कैसे आते हैं, जैसे अंटार्कटिका में बर्फ जमी हुई है, आर्कटिक प्रदेश में बर्फ जम जाती है, तो कुछ समय पश्चात वो बर्फ़ के बड़े बड़े जो शैल होते हैं वो टूट करके अलग हो जाते हैं और पानी में तैरने लगते हैं और तैरते 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 बहुत दूर तक ट्रैवल करके बिखर जाते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति उन्हें दूर देखता है वो तो यही समझेगा कि ये पानी में इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में उनकी उत्पत्ति पानी में नहीं हुई थी, क्लियर है। तो इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। यहाँ से जितनी भी भौगोलिक विचारधाराएँ थी वो ख़त्म हो गई। अब अगली क्लास में हम लोग समझेंगे भारत के भौगोलिक विचारधाराओं में जितने भी भारतीय विद्वान हैं उन सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितनी जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये चीज़ समझेंगे कि जितनी भी बातें ये लोग मतलब बाद में चल करके जाने 1600 में 1700 में है ना, जितनी भी चीज़ें भारतीय विद्वानों को वो बात बहुत पहले से ही पता थी, है ना। मतलब ज्ञान विज्ञान भारतीय विद्वानों का, ज्योतिष शास्त्र, भूगोल पहले से सुदृढ़ था, क्लियर है। तो वो सारा कुछ हम लोग क्या करेंगे इसमें समझेंगे। उसके बाद जो अलग अलग टर्म हैं जो ज्योग्राफिकल थाट में आते हैं उन अलग अलग टर्म्स को, चीज़ों को भी हम लोग क्या करेंगे अलग से देखेंगे, क्लियर।